हाँ जी स्टूडेंट, आज रेशो की फिफ्थ क्लास है और फिफ्थ क्लास में हमने क्या करना है रेशो में, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फॉर्मूले तो सारे हो ही गए थे। उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, कई बार क्वेश्चन में होगा आपका रिसोर्स एंड एप्लीकेशन। तो रिसोर्स जो होता है वो टोटल लाइबिलिटी को रिसोर्स बोलते हैं, और एप्लीकेशन जो होता है उसे टोटल एसेट्स को बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊं, जैसे कि आपको कंफ्यूज हो सकते हो थोड़ा सा। जैसे आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 31 है, इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 गिवन है। इसमें डिमांड क्या है? रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्स। तो रिटर्न की बात आ गई, तो रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा, रिसोर्स है तो टोटल लाइबिलिटी होगा। ठीक है, और एप्लीकेशन होता तो एसेट्स होता। आज जो मेन पर्पस है मेरा, क्वेश्चन नंबर 34, इस तरीके का भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। एग्जामिनर ने आपको बोला है कि आपको बैलेंस शीट बनाना है। अभी तक तो क्वेश्चन किए थे जिसमें बैलेंस शीट दे रखा था और उसके हेल्प से आप क्या करते थे, क्वेश्चन करते थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन करना होगा आपको, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बैलेंस शीट कैसे बनाया जाए, ना बनाया जाए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, यू आर रिक्वायर्ड, आपको गिवन है फॉलोइंग करंट रेशियो है, लिक्विड रेशियो है, नेट वर्किंग कैपिटल गिवन है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो है, एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपको, फिक्स एसेट शेयर होल्डर नेटवर्थ 80% दे रखा है, यानी 0.8 दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस 5 दे रखा है, एंड बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। तो इसको एक एक करके वर्किंग नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम करंट रेशियो से ही स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो क्या गिवन है हमें? 2.5। 2.5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू CA डिवाइडेड बाय CL। तो देखो पूरे क्वेश्चन में CA भी नहीं है, CL भी नहीं है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं तो CA आ जाएगा 2.5 CL इज इक्वल टू CA। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट कर लिया। नंबर 2 आ जाते हैं वर्किंग नोट। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू आपका करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी। ठीक है ना, अब करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी। तो देखो आपको करंट एसेट्स का वैल्यू पता है यहाँ पे, करंट लाइबिलिटी नहीं पता। तो 2.5 CL माइनस में CL, और वर्किंग कैपिटल आपको देता है 30 लाख, सॉरी 3 लाख। सॉल्व करते हैं इसको तो 1.5 CL आ जाएगा ये, और 3 लाख। तो देखिए इजीली आप CL की वैल्यू निकाल पाएंगे, तो कितना आएगा आपका? 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, तो 2 लाख आ गया आपका। ठीक है ना, तो 2 लाख क्या आ गया आपका? CL आ गया। अब CA का भी वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, बिल्कुल 2.5 इंटू में 2 लाख, तो बताइए वैल्यू क्या आया? 4 और 1 5 लाख रुपए। ठीक है, ऐसे वर्किंग नोट करके मैं पहले मार्क कर लेता हूँ क्या क्या फाइंड कर लिया। एक तो मैंने ये फाइंड किया है जिसे मैं बैलेंस शीट में यूज करूंगा, एक ये फाइंड किया है। ठीक है, आगे कहता है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का भी फॉर्मूला हमें पता है, इसको भी ओपन करते हैं। लिक्विड रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस में स्टॉक है ना, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो लिक्विड रेशो है 1.5, 1.5 डिवाइडेड बाय 1, करंट एसेट्स तो पता ही है हमें 5 लाख, स्टॉक नहीं पता भाई, तो स्टॉक को स्टॉक रहने देते हैं। सीएल भी पता है कितना है? 2 लाख। तो आंसर इज 3 लाख रुपए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 5 लाख माइनस में स्टॉक। तो हमारा स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा अगर इसे आप सॉल्व करते हो तो 2 लाख रुपए का। चलो एक ये भी हमारा बैलेंस शीट में यूज होगा, यानी टोटल 5 में से 2 तो यही है। फिक्स एसेट टर्न ओवर रेशियो ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी COGS के बेसिस पे निकालना है। तो फिक्स एसेट टर्न ओवर रेशियो कैसे निकलेगा? COGS डिवाइडेड बाय, मैं यहां लिख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2 के बाद वर्किंग नोट नंबर 3। अब वर्किंग नोट नंबर 4 करते हैं। फिक्स एसेट्स
अब बोलोगे सर आपको कैसे फॉर्मूला पता, बोला हुआ है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, और इसने बोला कॉस्ट पे निकालना है, कॉस्ट ऑन सेल्स यानी सीओजीएस पे, तो सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट टर्नओवर है ना, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स। तो अब यहां पे देखा जाए तो हम कुछ वैल्यू तो फाइंड कर ही सकते हैं, क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये कहते हैं टू टाइम है, चलिए टू टाइम है, और कोई हमें इसके रिलेटेड हिंट देता है क्या क्वेश्चन में, देखते हैं। और कोई हिंट तो नहीं दिया, लेकिन हाँ आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड 2 मंथ दे रखा है यहाँ पे, और जीपी रेशियो दे रखा है आपको 20%, और फिक्स एसेट्स यानी आगे कुछ और भी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो चलिए हम यहाँ से कोई वैल्यू तो फाइंड करें कम से कम, तो वैल्यू क्या फाइंड होगा हमारा, ये क्या है हमारा, टू टाइम, टू टाइम इज इक्वल टू सीओजीएस अपॉन में फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय एफ ए, तो क्या आ जाएगा, टू एफ ए फिक्स एसेट्स इज इक्वल टू सीओ जी एस, ठीक है, जितना भी सीओ जी एस आता है उसका 2 गुना हमारा फिक्स एसेट्स रहेगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है हमें, ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड भी दे रखा है हमें, तो अब हमें यहाँ पे डेटर भी निकालना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 5, हम सिंपल चलते जाते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड ए सी पी, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डी टी आर डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है ना, तो ये दे रखा है हमें 2 मंथ, तो इज इक्वल टू डी टी आर नहीं पता, एवरेज स्टॉक, तो एवरेज डी टी आर पता चल गया, डी टी आर जो होगा वो होगा 2 एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक का 2 गुना, अभी यूज होगा देखते जाना आप। 4 के बाद 5 नंबर पे आते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बस आपको कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है, ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो देखो एस टी आर, फॉर्मूला भी बता दिया, तो सीओ जी एस डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, अब ध्यान से देखो तो हमने क्लोजिंग स्टॉक जो निकाल रखा है, तो एस टी आर है हमारा 6 टाइम 6 इज इक्वल टू सीओ जी एस डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो यहां देखो आप ध्यान से देख पाओगे सीओ जी एस आ गया हमारा 12 लाख रुपए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कहता है जीपी 20%, तो किस पे है, सेल्स पे है, तो जीपीआर सेल्स पे है, वर्किंग नोट नंबर 6 ये था। अब नेक्स्ट है हमारा 7, तो जीपीआर का फॉर्मूला निकालिए, जीपीआर इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय जीपी, ठीक है, आपको जीपी तो पता नहीं, कॉस्ट पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो, वैसे मैंने शॉर्टकट भी बताया हुआ है लेकिन आप वैसे भी निकाल सकते हो, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, सेल्स इज इक्वल टू, थोड़ा लंबा कर रहा हूँ, कॉस्ट प्लस में जीपी, सेल्स नहीं पता एक्स, जीपी पता है हमें, सीओजीएस 12 लाख प्लस में जीपी कितने परसेंट है देखो 20%, तो एक्स बाय 5 हो जाएगा ना, तो 4x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 12 लाख, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, चलिए मैं एक बार में निकाल लेता हूँ यहाँ पे 12 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 15 लाख, एक्स आ गया हमारा 15 लाख, तो ये लो सेल्स भी आ गया हमारा, ये सेल्स आ गया, ठीक है, अब इस वैल्यू में भी पुट कर दो, देखो डीटीआर क्या बताया था, एवरेज स्टॉक का 2, तो एवरेज स्टॉक तो हमारे पास है नहीं, एक मिनट, एवरेज डेटर होता है डीटीआर, हमारा एवरेज स्टॉक नहीं होता, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा फॉर्मूला गलत हो गया, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, या 5 नंबर को अभी करते हैं हम, ये निकाल लिया हमने, अब हम आ जाते हैं पहले हम इस पे 4th नंबर पे आते हैं, फिर 5th पे आएंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे सेल्स पता चल गया, एफ ए सी ओ जी एस भी पता है हमें, तो सी ओ जी एस कितना था हमारा 2 ऑफ FA, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम, अगर मैं यहाँ पे सीओजीएस रखूँ, जो कि आपने बोला है, सर सीओजीएस आपका निकला है कितना, सीओजीएस निकला है हमारा सेल्स 15 लाख है, और सीओजीएस कहाँ निकाला, कहाँ निकाला हमने, निकाला था ना अभी सीओजीएस 12 लाख रुपए, ये रहा
12 लाख। तो 12 लाख इज इक्वल टू 2FA, तो FA क्या आ गया बताओ, 12 लाख डिवाइडेड बाय 2, यानी फिक्स एसेट्स देखो निकाल लिया हमने 6 लाख। ठीक है, फोर्थ के बाद फिफ्थ नोट मैं इधर कर रहा हूँ आपके लिए। फिफ्थ थोड़ा सा हो गया तो आपने ध्यान से देखना है। फिफ्थ क्या था मेरा फॉर्मूला, फिफ्थ था हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड। ACP होता है हमारा 365 मंथ में है ना, तो 12 होगा, 12 डिवाइडेड बाय DTR। ठीक है, अब ACP हमें दे रखा है 2 मंथ, तो 2 मंथ इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय DTR। तो DTR बताओ क्या आ गया, 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी इज इक्वल टू 6 टाइम, ये आ गया हमारा फिफ्थ। ठीक है, DTR के बाद अब देखा जाए फिक्स एसेट्स टू नेटवर्थ, और इसको हम बाद में देखते हैं। हम DTR से क्या डेटर निकाल सकते हैं, बिल्कुल डेटर निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा DTR का, DTR इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय हमारा एवरेज डेटर, यानी क्लोजिंग डेटर ही होता है। तो ये तो 6 है हमारा, सेल्स हमें पता चल गया 15, और ये अजम्पशन होगा सारा उधार ही है, और एवरेज डेटर क्या है रहने दो पता नहीं है, अब निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। तो एवरेज डेटर या क्लोजिंग डेटर कह लो, 15 लाख डिवाइडेड बाय 6, तो 2.5 लाख रुपए का आपका डेटर आ गया। एक था ये पॉइंट नंबर 5 से जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, अब रह गए हमारे लास्ट के 2 पॉइंट। मैं यहाँ बैलेंस शीट बना देता हूँ आपके लिए, एक बैलेंस शीट बना देता हूँ ताकि आपको आइडिया भी होता जाए। ठीक है, इसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट ही बोलेंगे। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, आपको बस ऐसे नहीं पता चलेगा कि हम कैसे करेंगे, आप सॉल्व करते जाओगे और स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर मिलता जाएगा। देखो सबसे पहले नंबर 1 करंट लाइबिलिटी लिखा, इधर लिख देते हैं करंट लाइबिलिटी कितने का था, 2 लाख का। अब ध्यान से देखो तो इसके बहुत सारे टुकड़े हो गए, स्टॉक भी था बिल्कुल 2 लाख, डेटर भी है, डेटर 2.5 लाख का निकाला है ना नोट नंबर 5 में, देखो 2.5 लाख, बाकी डिफरेंस जो बच गया उसको कैश लिख दो। कैश कितना हो गया, 50,000। ठीक है, फिक्स एसेट्स भी हो गया हमारा, फिक्स एसेट्स कितने का है, 6 लाख का, फिक्स एसेट्स है मेरा 6 लाख रुपए का। ठीक है ना, तो एक बार देख, तो पॉइंट नंबर मैंने 5 कर दिया आपका और यहां से 6 निकाल लिया। अब चलो हम आगे देखते हैं अगला रेशियो, मैंने बोला इसको आराम से करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस है थोड़ा, तो मैं यहाँ करने की कोशिश करता हूँ, तो आपको ध्यान से बस समझना है। अगला कहता है कि फिक्स एसेट्स शेयर होल्डर फंड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शेयर होल्डर फंड जो होता है वो शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस होता है, एग्री? ठीक है, अब फिक्स एसेट टू शेयर होल्डर फंड इसका रेशियो दे रखा है नोट नंबर में, इसको कौन सा था हमारा, ये 7 था ना, देखो ध्यान देना, 1 2 3 4 5, ये 6 7 हो चुका है नोट नंबर 8। 8 में अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो रेशियो है इसका 0.8, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या कहता है खुद ही बता रहा है ये, फिक्स एसेट्स तो 6 लाख डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ यानी शेयर होल्डर फंड, और ये नेटवर्थ भी होता है हमारा। आपको ये सारी चीजें रिमाइंड रखना पड़ेगा बस। और चलिए इसको सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आएगा हमारे पास निकल के बताइए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.8, सेकेंड ईयर में हो तो मेरे हिसाब से ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, 7.5 लाख आ गया शेयर होल्डर फंड। आगे कहता है रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल, तो सिंपल सा लॉजिक है, रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल का रेशियो कितना है, 0.5। तो मैं अगर बताऊं रिजर्व एंड सरप्लस प्लस में, या तो शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू 750, तो कोई गलत होगा क्या, मैंने यही तो निकाला है। पहले ये देखिए, क्या शेयर होल्डर फंड 7.5 लाख, और इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ। अब आपको अगर बोला जाए कि रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 1 है ये, 0.5
पॉइंट फाइव बोला तो डिवाइडेड वन, तो सिंपल सा है, अगर ये दो है तो इसका आधा ये है एक, यानी पॉइंट फाइव है। तो शेयर कैपिटल को मान लेते हैं एक्स और इसको हम मान लेते हैं एक्स बाई टू या पॉइंट फाइव एक्स मान सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 1.5x, 1.5x इज इक्वल टू 750। अब सॉल्व करते हैं हम x की वैल्यू, थोड़ा स्पेस कम है, x इज इक्वल टू 750,000 डिवाइड 1.5। तो देखो x आ गया हमारा 5 लाख। तो x क्या माना था हमने, x क्या माना था, शेयर कैपिटल माना था। तो ये लो शेयर कैपिटल पता चल गया, क्या पता चल गया हमें, 5 लाख। अगर 7.5 में से 5 लाख आपका शेयर कैपिटल है तो बाकी रिजर्व एंड सरप्लस होगा, तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना होगा, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, ये लो बहुत ही आसान है, बैलेंस शीट बन गया, और तो कुछ है नहीं। तो 2 लाख, 2.5 लाख, 50,000, 6 लाख, ये 11 लाख की बैलेंस शीट बन गई। तो देखो घबराने की जरूरत नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा वैसे। अब बाकी बैलेंसिंग फिगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग निकाल दो, क्योंकि वही बचा है इधर भाई, 1.5 लाख रुपए। ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। तो आपने ध्यान देना है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके बुक में इसी टाइप का सेम एक क्वेश्चन है, देयर इज नो लॉन्ग टर्म प्रिपेयर बैलेंस शीट 35। आप 35 को भी ट्राई करेंगे, इसी टाइप का है, और इसमें कुछ 36, 37 जो कि लेटेस्ट नई बुक में है, पुरानी बुक में नहीं मिलेगा, तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कर देता हूँ। पहले आप एक बार इसको नोट करिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। जाते हैं, और क्या इंफॉर्मेशन रह गया, अब दो पॉइंट और रह गए हमारे जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ जी स्टूडेंट, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 आपके बुक का, क्वेश्चन नंबर 35। फिर इसमें बैलेंस शीट ही ड्रॉ करना है, यहाँ लॉन्ग टर्म या फिक्टिशियस एसेट्स है नहीं। करंट रेशियो, तो जैसे मैंने पहले किया था, पॉइंट नंबर वन लेते हैं सबसे पहले, करंट रेशियो इजिकल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। आपको पहले करते जाना है, रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। तो 2.5, 2.5 डिवाइडेड बाई 1 इजिकल टू सी ए डिवाइडेड बाई सी एल, मल्टीप्लाई करिए, 2.5 सी एल आ गया इजिकल टू सी ए, पॉइंट नंबर टू। लिक्विड रेशियो देता है, वर्किंग कैपिटल देता है, सेम ही हो गया लगभग लगभग। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ओपन करो, सी ए माइनस में सी एल, तो वर्किंग कैपिटल दे रखा है आपको 60,000, सी ए पता है 2.5 सी एल माइनस में सी एल इजिकल टू 1.5 सी एल 60,000। तो सी एल इजिकल टू 60,000 डिवाइडेड बाई 1.5, तो कितने आ गए, 40,000। वर्किंग नोट नंबर थ्री, लिक्विड रेशियो ओपन कर देते हैं, लिक्विड रेशियो इजिकल टू सी ए माइनस में बताओ स्टॉक डिवाइडेड बाय सी एल। लिक्विड रेशियो क्या है हमारा, 1.5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू सी ए, क्या था हमारा 40, सी ए नहीं पता, तो सी ए देखो यहाँ पे 40 सी एल है, तो सी ए होगा हमारा 2.5 यानी 1 लाख रुपए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी ए इज इक्वल टू 2.5 इन टू में 40, तो ये आ गया 1 लाख। तो यह आ जाएगा सी ए माइनस में स्टॉक डिवाइडेड बाय सी एल, तो सी ए क्या रह गया हमारा, 1 लाख माइनस स्टॉक हमें पता नहीं है जो फाइंड करेंगे, सी एल मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारा, 1.5 सी एल इज इक्वल टू 1.5 सी एल इज इक्वल टू, सी एल तो पता है हमें, सी एल तो पता है 40,000 है ना, तो 1.5 इंटू में ये, तो क्या हो जाएगा हमारा 60,000, 1 लाख माइनस स्टॉक। तो सिंपली अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक क्या है हमारा, माइनस कर दो 40,000 रुपये। ठीक है, अब वर्किंग नोट नंबर फोर, प्रोप्राइटरी रेशियो देता है और बोल भी देता है कि फिक्स एसेट्स अपॉन में शेयर होल्डर फंड, और रिजर्व एंड सरप्लस भी दे देता है। बैंक ओवरड्राफ्ट इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखा है, जो कि सीएल का ही पार्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट निकल गया तो सीएल के लिए दिया हुआ है, ऐसा कोई और इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है, शेयर होल्डर फंड कहता है आपको फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय
प्रोप्राइटरी फंड, और प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है? हमारा शेयर होल्डर फंड। आपको करंट लाइबिलिटी पता है? बताओ, करंट लाइबिलिटी आपका, अगर आपको पता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है इसमें, 10,000, तो 30,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, ये है। चलिए, यहाँ पे आपको क्या पता चल गया? स्टॉक स्टॉक 40 और करंट एसेट्स कितना निकाला था? 1 लाख, 1 लाख निकाला था करंट एसेट्स, नहीं 60 हुआ ना, 60। अब यहाँ पे मिसिंग फिक्स एसेट्स है, ठीक है, वो मान लेते हैं एक्स है, और यहाँ पे मिसिंग हमारा रिजर्व एंड सरप्लस भी है। सरप्लस इज इक्वल टू, बताओ क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं? रिजर्व एंड सरप्लस 40,000। यहाँ पे शेयर कैपिटल मिसिंग है, ठीक है। तो इन दोनों में हमें दोनों चीजें यहाँ पे मिसिंग है। अब प्रोप्राइटरी फंड का है फिक्स एसेट्स अपॉन में शेयर होल्डर फंड। हम एक इक्वेशन भी बना सकते हैं। क्या इक्वेशन बना सकते हैं हम बना सकते हैं शेयर होल्डर फंड प्लस 40,000, इन दोनों का जोड़, ठीक है। नीचे लिख देता हूँ, शेयर होल्डर फंड प्लस में 40,000, ये टोटल लाइबिलिटी हो गया ना, इन दोनों का जोड़ और प्लस ये, इज इक्वल टू 1 लाख प्लस में फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स हमें पता चल गया यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स अगर प्लस कर दो तो ये टोटल एसेट्स हो जाएगा, ये दोनों साइड हमारा इक्वल रहेगा। अब देखो फॉर्मूला में, अगर मैं फिक्स एसेट्स की वैल्यू निकालू तो ये किधर चले जाएगा? इधर माइनस हो जाएगा। अगर फिक्स एसेट्स की वैल्यू निकालू या शेयर होल्डर किसी का भी निकालो, चलो शेयर होल्डर फंड निकाल लेते हैं। शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 40,000 और प्लस एफए हो जाएगा, यानी 60,000 प्लस एफए। अब यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, ये बेस्ट रहेगा। तो शेयर होल्डर फंड क्या है? 60,000 प्लस में एफए, तो शेयर होल्डर फंड रख देंगे 0.75 इज इक्वल टू, एफए पता नहीं हमें, 60,000 प्लस में एफए, ठीक है। फिक्स एसेट्स मल्टीप्लाई करिए इसको, तो मल्टीप्लाई 60,000 इंटू में 0.75, 45,000 प्लस में 0.5 एफए, 0.75 एफए प्लस 0.75 एफए इज इक्वल टू क्या है? एफए, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लिया। अब इसमें से माइनस करिए तो क्या आ जाएगा? 0.25 एफए इज इक्वल टू 45,000। इसको डिवाइड कर दीजिए सिंपल, ये देखो एफए आ गया, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 0.25, ये आ गया 1,80। मैंने कैलकुलेटर पे कर लिया 1,80, तो नाउ यू नो कि ये 1,80 है। अब बड़ा ही सिंपल निकल जाएगा, 40,000, 60,000, 1,80,000, 2,80,000 हमारा ये आ गया, ठीक है ना, 2,80,000 ये आ गया, 2,80,000 ये आ गया, माइनस 40,000 माइनस 30,000 10,000, ये आ गया 2 लाख रुपए। तो शेयर कैपिटल भी हमारा निकल गया 2 लाख। तो रफली इसी तरीके से आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो देखो मेजर मेजर क्वेश्चन कर दिया है मैंने बैलेंस शीट का। 36 का अंदर आपको क्विक रेशो, और एक क्वेश्चन आपका डी पार्ट भी है 36 का, रीजन बेस्ड। तो मैं थोड़ा बता दूं, रीजन बेस्ड के लिए मैं अलग से क्लास भी ले लूंगा और मैं लाइव क्लास में एक बार समझा दूंगा आपको रीजन बेस्ड क्या है। तो आप डी पार्ट छोड़ सकते हैं, बाकी करेंगे आप, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसके बाद 37 में देखिए, यहाँ पे डिविडेंट यील्ड रेशियो कहता है। तो कुछ फॉर्मूले मैंने पहले नहीं कराए थे, तो डिविडेंट यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डिविडेंट पर शेयर, ये तो पता है कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। तो ये कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसे प्राइस अर्निंग रेशियो, तो मैंने आपको प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला भी बताया था, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो ये भी आपका सिंपली हो जाएगा, बी पार्ट भी आपका हो जाएगा। ये 38 में डेट इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल इनको इंटरेस्ट कवरेज कैपिटल गेयरिंग, तो ये लगभग लगभग रेशियो को मैंने खत्म कर दिया है। तो मे बी पॉसिबल है कि अगर आपको मुझे करके दिखाना होगा क्वेश्चन को, अगर समझाना पड़ेगा तो मेरे पास बुक है, लाइव क्लास में आऊंगा मैं, और लाइव क्लास के अंदर मैं कल ही लूंगा लाइव क्लास। तो आज सारे क्वेश्चन कर लीजिए, तो कल मैं इवनिंग में लाइव क्लास में आपसे ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो रेशो को खत्म करते हैं 5th क्लास में। अभी भी अगर लगेगा आपको डाउट रहेगा तो एक और क्लास ले लूंगा। थैंक यू सो मच।